ओके ट्राई कर त्रिमंत्र बोलाई नहीं चालू करो कीर्तन भक्ति दो। सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सव साहुणम नमो लोए सव साहुणम पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सौवपावप्पणासनो सौवपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्येसिं मंगलाणं च सव्येसिं परमं भवै मंगलम्। परमं भवै मंगलम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हाय राय ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना सीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम 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 जय जयकार हो। दादा भगवान ना सीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना सीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम 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 जय जय। दादा भगवान ना असीम जय जयकार। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो।
दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवान ना असीम जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो।
दादा भगवान ना असीम दय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम दय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो।
ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो।
दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो।
दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो। दादा भगवान नासिम जय जयकार हो।
दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो।
दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो।
दादा भगवान सिंह जय जयकार हो। दादा भगवान सिंह जय जयकार हो। दादा भगवान सिंह जय जयकार हो। दादा भगवान सिंह जय जयकार हो। दादा भगवान सिंह जय जयकार हो। दादा भगवान सिंह जय जयकार हो। दादा भगवान सिंह जय जयकार हो। दादा भगवान सिंह जय जयकार हो। दादा भगवान सिंह जय जयकार हो। दादा भगवान सिंह जय जयकार हो। दादा भगवान सिंह जय जयकार हो। दादा भगवान सिंह जय जयकार हो। ओ दादा भगवान सिंह जय जयकार हो। 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 ओ दादा भगवान सिंह जय जयकार हो।
दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कोई कोई नो अनुभव केवो हो तो कही सके। હિરેનારાયણ તમે ઘણી કીર્તન ભક્તિ કરી છો, તમારો અનુભવ કહો. મારે તો રદ્દીભાઈ જનરલી પેલું ઢોલક વગાડવાનું જ આવે છે. અહીં આવી જાવ, જરૂર છે તમારી. ઢોલક ઢોલક ની મસ્તી તમારી કેવી છે એ અમને એક્સપિરિયન્સ કહો. અચ્છા, ઢોલક ની મસ્તી માં એવું કે જયારે કીર્તન ભક્તિ ની દાદા ભગવાને આજ્ઞા કરી એમની હાજરીમાં, પછી શરૂઆતમાં કીર્તન ભક્તિ માં જવાનું થાય અને કીર્તન ભક્તિ માં ગયા પછી આમ ઢોલક તો કદી હાથ નતો લગાડ્યો, પણ ઉત્તમભાઈ ના ઘરે પહેલી કીર્તન ભક્તિ હતી. ઉત્તમભાઈ ના ઘરે નહીં, સોરી, ઉત્તમભાઈ ના કારખાના ઉપર પહેલી કીર્તન ભક્તિ હતી અને ત્યાં જવાનું થયું અને કુદરતી વાતાવરણ પણ એટલું બધું સરસ હતું અને ખૂબ મહાત્માઓ બધા આવ્યા હતા અને પહેલી વખત ઢોલક ને હાથ અડાડ્યો અને કીર્તન ભક્તિ ત્યારે માં વગાડવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું. પછી ઢોલકને ઢોલક વગાડવા માટે આપણે ઉંમર નાની હતી, લગભગ 16 વર્ષની ઉંમર હતી અને પછી ઢોલક વગાડીશું એ હિસાબે કીર્તન ભક્તિ આમાં આવવાનું શરૂઆત થઈ. દીપકાનંદજી તમારો એક્સપિરિયન્સ કહો. દિવસે 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 જેમ આપણને આ સમજાતું જાય છે ને કીર્તન ભક્તિ, એને બીજા બીજા બહુ સરસ ફોડ પડે છે કે કેવી રીતે. તો હિન્દીમાં બોલો, જિનકે સાથ થોડા આગે પીછે હો જાતા હૈ ના, જિનકે સાથ એક શ્રી કા હિસાબ નહીં હોતા. Everybody else please mute, there's a lot of noise coming.
तो ऐसे लोगों को ऊपर हमारी नजर जाती है, तभी वो लोग कीर्तन भक्ति करते वक्त हमारे सामने आते हैं तो उनके भीतर के दादा भगवान का असीम जयकारों बुलाने से उनके शुद्धात्मा को लक्ष्य में रखकर फिर कीर्तन भक्ति होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे ही कोई हमें याद नहीं आता है। और ऐसा जब होता है तो ये कीर्तन भक्ति हमें उनके हिसाब को क्या बोले उसकी चिकनाहट में से निकलने का मौका देते हैं, क्योंकि शुद्धात्मा तो कोई देखते ही नहीं है, जिनको दृष्टि मिली है वही देख सकते हैं। तो इसका हम पूरा उपयोग कर लेते हैं, या वरना हो जाता है कि धीमे धीमे ये कीर्तन भक्ति का व्याप एक्सपांस बड़ी अच्छी तरह से बढ़ता जाता है, कि जैसे कविराज के पद में भी बताया है कि ज्ञाता यानी जिनको मुक्त होना है और यही हमारा है गोल, हमारा मोक्ष में जाने का है या मोक्ष का अनुभव करना है, मुक्तता का अनुभव करना है, सनातन सुख का अनुभव करना है, तो ये कीर्तन भक्ति इतनी आसान हो जाती है। बीच में ध्याता और ध्येय के बीच में ध्यान यानी ब्रिज करने के लिए, कनेक्शन करने के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। तो जिनके लिए ऐसा हो जाता है तो फिर उनमें से हम अच्छी तरह से निकल जाते हैं। ये बड़ा अच्छा अनुभव होता है कि ये कीर्तन भक्ति से किसी के भी शुद्धात्मा के लिए और किसी के भी अंदर हम प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि हमें मुक्त होना है। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए कि हमें मुक्त होना है, तो इसके कारण इसका परिणाम बड़ा है। और शुद्धात्मा देखेंगे हमारे बाजू पे हट जाते हैं, कोई क्लेम रहता नहीं है। जैसे बोले ना कि भगवान को देखेंगे तो मंदिर कैसा भी है लेकिन दृष्टि अगर हमारी भगवान के ऊपर है तो मंदिर टूटा हुआ है, कुछ डैमेज है तो उसकी असर नहीं होती। उसी तरह से ये सब जीव मात्र भगवान के मंदिर है, तो हम भगवान के दर्शन कर लेते हैं, भगवान के ऊपर हमारी दृष्टि जाती है, ये कीर्तन भक्ति से भगवान के ऊपर बड़ी आसानी से हमारी दृष्टि चली जाती है, इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। फिर कीर्तन भक्ति का राग कैसा है, कैसे बुलाया जाता है, पर हमारा ध्यान जाता नहीं है लेकिन हमारा उपयोग फिर शुद्धात्मा के ऊपर ही जाता है। सामने वाले जो हमारे लक्ष्य में आते हैं उनके शुद्धात्मा, उनके अंदर जो दादा भगवान यानी ज्ञान स्वरूप जो है शुद्धात्मा, उनके ऊपर जाता है और फिर से वापस हमारे पर आ जाता है, क्योंकि ऐसे ही कोई हमारे ध्यान में आते नहीं है, कहीं ना कहीं अगर हिसाब है तभी वे आते हैं। तो ऐसा होता है तो ये कीर्तन भक्ति के आधार से और कोई अंदर विकल्प रहता नहीं है, अपेक्षा होती है तो वो सब मिट जाती है। बोले हमारा ही लोग जो हमारे साथ व्यवहार करते हैं वो हमें लगता है वो हमारे साथ करते हैं, हकीकत में वे हमारे साथ नहीं करते, हमारा व्यवहार हमारे सामने आता है बताने के लिए। ये कुदरत का कैसा करिश्मा है देखना है कि हमारा व्यवहार हमारे सामने आता है और हमें बताया जाता है कि ये देखो आपने ऐसा किया था, अभी स्वीकार कर लो। तो जब ये दादा का सूत्र ऐसा याद आता है कि किसी का भी व्यवहार वो उनका व्यवहार नहीं है, आपका ही व्यवहार आपके सामने आता है, तो ये व्यवहार तब याद आता है। और कीर्तन भक्ति से उनकी जो कनेक्टिविटी हो जाती है उनके भगवान के साथ की, शुद्धात्मा के साथ की, तो फिर व्यवहार का ये निपटारा लक्ष्य में आता नहीं है, वो बीच में आता नहीं है। ये दादा भगवान के साथ की कनेक्टिविटी जो सामने वाले के साथ हो जाती है उससे हमारा व्यवहार है ना मेलो डाउन हो जाता है, शांत हो जाता है, और जो क्लेम वगैरह होता है ना वो बहुत शांत हो जाता है और उसकी मजा ही कुछ और आती है। एकता करने के लिए ये बड़ा अच्छा साधन है। जो आपने ठीक बात बताया, क्योंकि आप जब कीर्तन भक्ति करते हैं तो 99% दूसरा कुछ विचार आता ही नहीं है और लीन ही हो जाता है। राइट।
आपने बताया कविराज का पद कौन सा पद आपके पास बता था? ध्याता ध्येय ध्यान एक प्रेम स्वरूप मोक्ष दान। तो ये ध्याता ध्येय ध्यान एक हो जाता है तभी कीर्तन भक्ति से। ये राजुल नेमनी प्रीत सनातन पुरातन पुरातन एक वो है उसमें आता है। दादाजी ने हमारो स्नेह सनातन आप इट वर्क्स वेरी वेल। एक्चुअली तो दादा भगवान ने जो जो साधन बताए हैं ना वो सब हमारी कनेक्टिविटी ही करती रहती है। बोलिए विनोद जी। ये जो आपने बताया ध्याता ध्यान और ध्येय एक हो जाते हैं तो इसमें जब हम मैं कीर्तन भक्ति कर रहा हूँ या विनोद कीर्तन भक्ति कर रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। एक तो ऐसा सुनने में आया कि भी जो है विनोद कीर्तन भक्ति करेगा और एक एक शब्द शब्द को देखेगा और एक ये है कि भी जो है एक एक वर्ड को सुनेगा तो दोनों का ध्यान भी नहीं रहता। एक तो बात यह है कि भी जो है या तो वर्ड्स पे ध्यान रहता है देखने पे या सुनने पे और दूसरा जो विनोद अगर शुद्धात्मा को दृष्टि में रख के कीर्तन भक्ति करता है तो ध्याता और ध्येय तो अलग अलग हुए फिर वो करने वाला। और ऐसा है सब अलग अलग उपयोग है। जब आप अक्षर शब्द पढ़ते हैं तब आपका उपयोग पढ़ने में होता है लेकिन जब शुद्धात्मा का ध्यान एक प्रकट होता है तो वो अक्षर बीच में आते ही नहीं है फिर एकाकार होता है। वो दो 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 एट ए टाइम नहीं होता है। वो जैसे है ना उसकी उपयोग बदलता जाता है। आप समझिए जैसे कि आप बीच में नहीं बोलेंगे मैं हम नहीं कहेंगे कि कीर्तन भक्ति करते करते विनोद जी हमारे लक्ष्य में आ गए तो फिर विनोद जी का तरफ हमारा उपयोग जाता है। अभी हम तो अक्षर पढ़ते थे दादा भगवान असीम जय जयकारो इतने में आप आ गए बीच में तो अभी वो अक्षर पढ़ने में से आपके ऊपर उपयोग गया। अरे ये विनोद जी कैसे आ गए तो अभी विनोद जी आ गए हैं तो फिर उनके ऊपर से उपयोग हटकर दादा भगवान असीम जी जयकारो आपके भीतर जो शुद्धात्मा भगवान दादा भगवान है उनके तरफ उपयोग जाता है फिर आपके तरफ उपयोग रहता नहीं है। तो इस तरह से उपयोग बदलता रहता है दो जगह पर और दो ऐसा नहीं होता है। आप वो देखेंगे जैसे कि हमने बताया कि जब ही मैं आपके बाल को देखता हूं तब आपके ऐनक को नहीं देखता जब आपके ऐनक को देखता हूं तब आपके नाक को नहीं देखता जब आपके नाक को देखता हूं तो आपके कान को नहीं देखता लेकिन उसका पिक्चर धीमे धीमे करके आ जाता है अंदर और परसिस्टेंस बोलते हैं ना ऐसा होता है। लेकिन हमारा उपयोग इस तरह से होता है और जैसे एक एक उपयोग जैसे अक्षर में से विनोद जी आए विनोद जी में से शुद्धात्मा में गए फिर शुद्धात्मा से दादा भगवान में गए नहीं दादा भगवान में से शुद्धात्मा में गए फिर एकाकार हो जाता है सब आप समझे फिर वो होता है। अगर वो क्लियर होता है तो उतने में ये मयूर भाई आ जाते हैं। अरे बोलेगी ये मयूर भाई कहाँ से आ गए तो नहीं उनमें शुद्धात्मा देखना है तो मयूर भाई में से शुद्धात्मा देखेंगे तो फिर मयूर भाई निकल जाते हैं फिर शुद्धात्मा। इस तरह से सभी के व्यवहार को हम शुद्धात्मा दृष्टि से माइनस होता जाएगा करते जाते नहीं है माइनस होता जाता है। क्या है दादा भगवान ने क्या बताया हमारा स्टेट जो है हमारी दशा जो है वो रियल रियल है। उसका मतलब क्या है सामने वाले का व्यवहार यानी मन वचन काया है फिर भी हमारी दृष्टि उनके व्यवहार के ऊपर नहीं जाती क्योंकि व्यवहार के संबंध में हमें कोई शिकायत किसी के लिए रही नहीं इसीलिए उनके उनके व्यवहार को बड़ी आसानी से हम बांध कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं उसको वो माइनस हो जाता है और सीधे उनके शुद्धात्मा के ऊपर चले जाता है। लेकिन हमें थोड़ा ये कष्ट करना पड़ता है पुरुषार्थ करना पड़ता है कि हम उनके व्यवहार को इस तरह से माइनस होकर हम शुद्धात्मा के अंदर हमारी दृष्टि स्थिर होती है। समझ गए
जैसे कि आप सीढ़ी चढ़ते हैं, पहले कदम पहली सीढ़ी चढ़ी तो आपका उपयोग पहले पर है, अभी वो जब आप चढ़ गए ऊपर तो दूसरे पर जाती है, दूसरा चढ़ के तीसरे पर जाती है, लेकिन अभी वो पहले पर जाती नहीं है, आप समझ गए। उस तरह से हमारा उपयोग बदलता रहता है। तो उपयोग कभी स्थिर नहीं होता कि मतलब आफ्टर वाइल? आफ्टर वाइल स्थिर हो जाता है सब। इसीलिए दादा भगवान ने क्या कहा, हमें हमारी स्टेट जो रियल रियल बताई, तो किसी के भी व्यवहार के प्रति हमारे, क्योंकि व्यवहार के प्रति हमारा सामान्य भाव हो गया है, क्योंकि हमें किसी के भी व्यवहार के प्रति कोई अभिप्राय रहा नहीं है। हमारा अभिप्राय वो हमारी विशेषता है, और उस विशेषता के कारण हमारी दृष्टि सामने वाले के व्यवहार पर जाती है, जो हकीकत में हमारा व्यवहार है, जो हकीकत में हमारा व्यवहार है। हमारा व्यवहार हमारे सामने आता है और हम बोलते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा नहीं है। इसीलिए ज्ञान क्या बताता है कि जगत अपना फोटो है, हमारा प्रतिबिंब है। कीर्तन भक्ति जब करते हैं तो कई दफा ऐसे व्यवहार आता है, कर्तापने का आरोप होता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें फिर आप आज्ञा अप्लाई करके उसको आप माइनस कर देते हैं, जो कर्तापना का आरोप है, तो वो आज्ञा में भी स्थिरता आती है उससे, राइट। लेकिन ये क्या है कि ये सब कुछ साथ में होता है। जैसे जब आप चलते हैं तो आपके पैर भी चलते हैं, आपके हाथ भी हिलते हैं, आपकी शरीर भी हिलता है, लेकिन आप आपका उपयोग पैर पर जाता है तो पैर दिखाई देंगे, हाथ पर जाएगा तो हाथ दिखाई देंगे, शरीर पर जाएगा शरीर दिखाई देगा, सिर पर जाएगा सिर दिखाई देगा, लेकिन वो आप अलग नहीं है, आप एक ही है। इसी तरह से ये जो जहां जहां हमारा अभिप्राय है तो वहां हमारा उपयोग नेचुरली खींचा जाता है, अट्रैक्ट होता है, और वहां पर हम शुद्धात्मा दृष्टि से देख लेने से उसमें से बाहर आते हैं। लेकिन इसमें हमारा कोई एम है कि मतलब हमको जो वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है, या मतलब वहां से हम फोकस कर रहे हैं, वहां से किसी के ऊपर ध्यान चला गया वो बात अलग है, वो तो चित्त उधर चला गया तो फिर हमने उसके अंदर शुद्धात्मा देख ली, लेकिन हमारा गोल क्या है? गोल हमारा वर्ड्स पढ़ना है, गोल हमारा व्यवहार को माइनस करना है। व्यवहार के प्रति हमारा अभिप्राय है, और वो अभिप्राय के कारण जैसे व्यवहार बदलता ही रहता है, वो तो हम जानते हैं, व्यवहार का स्वभाव ही है वो, जो टेम्पररी है वो बदलता रहता है। वो बदलती अवस्था के प्रति अगर हमारा कोई भी अभिप्राय है तो वो अभिप्राय, व्यवहार तो बदल जाता है और हमारा अभिप्राय वहीं का वहीं रहता है। इसीलिए जो परिस्थिति 5 दिन पहले हुई थी, महीने पहले, 1 महीने मास पहले हुआ था, तो उसका जो अभिप्राय है वो आज भी मेरा सामने आ जाता है। अभी संयोग तो बदल गया है, समय बदल गया है, जगह बदल गई है, लेकिन इस तरह से संयोग बदल जाता है, लेकिन हमारा अभिप्राय हमारे सामने खड़ा रह जाता है। तो उस अभिप्राय में से निकलने के लिए शुद्धात्मा दृष्टि बताई। वो शुद्धात्मा दृष्टि क्या करती है, जो है जैसा है जब है वो वैसा दिखा देता है, तो उसके ऊपर हमारी नजर जाने से वो अभिप्राय हमारा निकल जाता है। अभिप्राय अभिप्राय स्वरूप पहचानने में आएगा, समझ में आएगा, तो अभिप्राय ही है तो वो तो टेम्पररी अवस्था है, तो वो कैसे हम बोलेंगे? कल आपने लाल कपड़ा पहना था, आज अगर पीला कपड़ा पहना है तो हम बोलेंगे कि नहीं वो लाल कपड़ा अच्छा था। अरे लेकिन आज पीला पहना है, उसको देखो ना भाई, वो लाल तो फट गया, तो मैं क्या करूं, भी पहन भी नहीं पाऊंगा। आप समझ गए? तो ये जो अभिप्राय है ना, ये तो बड़ा 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 ग्रॉस एग्जाम्पल दिया, लेकिन इस तरह से हम अभिप्राय में ड्रैग होते हैं, ड्रैग हो जाते हैं, और जिसके कारण आज की परिस्थिति हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते और डील नहीं कर पाते। जैसे कल आपने बैंगन की सब्जी मांगी थी और आज आप बोलते हैं कि भिंडी की सब्जी क्यों नहीं बनाई,
तो मैं बोलता हूँ लेकिन कल तो आपने बैंगन मांगा था। अरे लेकिन वो कल की बात थी यार, मुझे भिंडी चाहिए, उसका क्या करेंगे? आप समझे, ये घर में ये प्रॉब्लम होता है। आप समझ गए किस तरह से अभिप्राय हमें परिस्थिति को एक्सेप्ट करने नहीं देता और इसके कारण डिफरेंस भेद खड़ा होता है और वो फिर झगड़े का कारण भी बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। लेकिन ऐसा है कि ये जो व्यवहार है, पहला कि वो हमारा व्यवहार हमारे सामने आता है और ये जो व्यवहार है वो कुदरत की रचना है, ये कोई करने वाला नहीं है। तो उस तरह से यह ज्ञान हमें फिट होते जाता है कि ये करने वाले नहीं है, मेरा ही व्यवहार मेरे सामने आया है तो मुझे उसे देख लेना है, समझ लेना है, पहचान लेना है कि ये व्यवहार है और व्यवहार ऐसा ही होता है, बदलता रहता है। तो मेरी दृष्टि फिर उसके ऊपर जाएगी कि मैं शुद्धात्मा को देख पाऊंगा। व्यवहार को पहचानेंगे तो उसके पर सामान्य भाव, सामान्य दृष्टि हो जाएगी, विशेषता में से, अभिप्राय में से निकलकर हमारा दृष्टि सामान्य हो जाएगी। तो उसके आधार पर फिर हमारी दृष्टि वहां टिकेगी नहीं, तो फिर आगे जाएगी शुद्धात्मा की तरफ। रिलेटिव को माइनस करते जाएंगे तो फिर दृष्टि हमारी रियल पर आ जाएगी। मतलब जब ये करते हैं हम, हाँ, जब हम ये असीम जयकार करते हैं तो जब जब हमारी रिलेटिव के अंदर जाकर दृष्टि अटकती है तो उसके अंदर शुद्धात्मा को देख लेना है, रिलेटिव को माइनस करते जाना, ये हमारा ध्येय है। हो ही जाएगा, राइट? क्योंकि ये शुद्धात्मा दृष्टि ऐसी है जो हकीकत बता देती है, वास्तविकता क्या है वो में प्रकाशित करती है, इल्यूमिन करती है। प्रकाशित होने से हमारी दृष्टि, क्योंकि वो विशेषता को पाई हुई है, अभिप्राय यानी विशेषता, समझ गए। तृप्ता जी आप बोल रहे थे कुछ? हाँ, जब मैं कीर्तन भक्ति करती हूँ तो मैं तो आई माई को सेपरेट करके, जैसे कि तृप्ता शुद्ध आत्मा अपने अंदर बैठे हुए शुद्ध आत्मा को याद कर रही है, उनको देख रही है कि, और इतनी खुशी होती है। तो जब गाती हूँ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, तो अंदर बैठे हुए दादा भगवान को मैं, तो फिर मेरे को इतनी प्रसन्नता होती है कि हाय, मेरे को भगवान के साथ रहने का, नजदीक आने का एक मैं टाइम, खाली मेरे और भगवान के बीच में ही है, मेरे को ऐसे फील होता है कि मेरे दादा भगवान को मैं याद कर रही हूँ उनसे, और इतनी प्रसन्नता होती है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भगवान को याद कर रही हूँ। सही है, लेकिन ये जब क्या होगा, जब आपके सब क्लियर हो गए हैं ना, फिर बीच में विनोद जी आ जाएंगे। अरे ये शुद्धात्मा विनोद जी कहाँ से आ गए? तो बोले हाँ नहीं, पर आते हैं, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, पर जब वो आते हैं तो मैं उनकी शुद्ध आत्मा को प्रणाम करती हूँ, उनकी शुद्ध आत्मा का जय जयकार करती हूँ। तो उनके व्यवहार में से आप बाहर आ जाते तो शुद्धात्मा शुद्धात्मा कनेक्टिविटी हो जाती। फिर बच्चे आ गए, और ये बच्चे कहाँ से आ गए? तो उनके अंदर भी शुद्धात्मा क्या कीर्तन भक्ति करेंगे तो वो वहां से हमारी, हमारा उपयोग बदलते ही फिर से शुद्धात्मा में आ जाए, तो वापस आप अपने में आ जाएंगे। सही है। हाँ दीपकानंद जी, आप तो अंतर्यामी हो। हमारा अस्तित्व बाहर नहीं है, हमारा अस्तित्व अंदर है। जो दादा ने हमें बताया है कि वैसा ही मैं अंतर्यामी हूँ। हाँ। अंतर्यामी यानी आई एग्जिस्ट इनसाइड, आई डोंट एग्जिस्ट आउटसाइड। लेकिन ये जो हमारी अनंत अवतार की ये जो मान्यता है ना, जो अज्ञानता से चली गई है, लेकिन हिसाब से बाकी है, हिसाब वाला भाग बाकी है। इसीलिए हमारा बाहर क्या बोलते हैं, ड्वेल करते हैं ना, रहते हैं, तो वहां से ये कीर्तन भक्ति हमें अंदर ले जाती है। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड एक्सपीरियंस। हाँ जी, थैंक यू। वरना वीरेंद्रनंद जी आपको कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो त्रिमंत्र बुलाइए।
एक दो मिनट कुछ याद आया तो बात कर लेता हूँ। बोलिए बोलिए, जरूर से जरूर से। ये जो कीर्तन भक्ति की बात करी तो दादा भगवान की हाजिरी से ये कीर्तन भक्ति का शुरुआत हुआ था। उसके बाद क्या होता था कि दादा भगवान के जाने के बाद भी हम जैसे फ्री होते साइकिल चलाते कभी चलाते तो दादा भगवान ना असीम जय जयकारो चालू हो जाता था। तो दादा भगवान ने बताया कि आपके अंदर जो है वही दादा भगवान है। तो इतना ध्यान रहता था कि मैं अंदर जो बैठा है उसका दादा उसका असीम जयकारो कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से क्या होता गया कि जैसे जैसे मेरी गलतियां होती थी तो मेरे को दिखाई देने लगी। मैं जो पहले जो नहीं दिखाई देता था ये सब दिखाई देने का चालू कैसे हुआ? तब तो ज्ञान नहीं लिया था, ज्ञान लेने का बाकी था लेकिन गलतियां दिखने की चालू हो गई। तो दादा भगवान असीम जयकारो में इतना पावर है कि वो सिर्फ मेरा ध्यान था कि मैं अंदर बैठा हुआ जो है उसका जय जयकार करता हूँ। तो ध्यान ज्ञान नहीं लिया था फिर भी ध्यान अंदर आ गया, अंदर की तरफ हो गया अपने आप। मेरे को अपने को लगता है कि ज्ञान लेने के बाद ही मेरे को शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठता है। मेरे को वो सिर्फ कीर्तन भक्ति से वो लक्ष्य बैठ गया था। जब कीर्तन भक्ति करते हैं तो अपने आप लक्ष्य आ गया। राइट राइट, वंडरफुल। या सही बात है, यानी ये कीर्तन भक्ति जैसे दादा भगवान ने बताया था कि अब लोग कीर्तन भक्ति से ज्ञान को पाएंगे तो इसका कीर्तन भक्ति का महिमा इसमें बड़ा अच्छा आ गया है। और ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है तो अनुभव प्रमाण तो फाइनल प्रमाण कहा जाता है, लेकिन ये बात सही है तो इसका हमें उपयोग करना चाहिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वित्रागाय नमो नमो भट्टाणम नमो नमो सिद्धाणम नमो नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सवताहुणम नमो लोए सवताहुणम ऐसो नमुक्कारो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।